हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कॉन्टावर में स्टेट मैट्रिक्स को कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे आपको मिसलिनियस में एक पैनल मिलेगा, स्टेट मैट्रिक्स। तो आप उस पर क्लिक करोगे तो ये पैनल, ये विंडो ओपन हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या टाइप करना है, यहाँ पे आप कोई दो सिम्बल्स को अगर आप कोरिलेशन पता करना चाहते तो कर सकते हो, अदरवाइज मैं अभी बैंक निफ्टी के लिए कर लेता हूँ, बैंक निफ्टी की जो सिंबल्स है। तो अभी आप देख सकते हो कि मैं ट्रू डेटा से कनेक्टेड हूँ। डेटा के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पर डिफाइंड वॉच लिस्ट है, ठीक, ऑलरेडी प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट है। इस पर क्लिक करूँगा, ट्रू डेटा में जाऊँगा, ट्रू डेटा के अंदर निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक को मैं यहाँ पे ऐड टू वॉच लिस्ट कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा कि सारे सिम्बल्स को लोड करना चालू कर दे। तो लोड होने देते, पहले लगभग सारे सिम्बल्स लोड कर लिए। अब ये क्या बता रहा है, ये इसने जो डेटा लोड किया है वो 1 मिनट के हिसाब से किया, बट मुझे क्या करना है, मैं 1 डे और लास्ट 1 मंथ का करना चाहता हूँ। तो अब ये क्या करेगा कि 1 डे का क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से लास्ट 1 मंथ का डेटा लेगा और उस हिसाब से इनको। तो अब ये जो है कोरिलेशन बता रहा है। अब जिनको नहीं आइडिया है, ये बेसिकली क्या होता है कि अगर समझो कोरिलेशन 1 है, 1 का मतलब क्या है कि अगर समझो एक्सिस बैंक और मान लो कोई दूसरा बैंक है से HDFC, अगर उसका कोरिलेशन 1 है तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक्सिस बैंक 2% ऊपर जाता है तो HDFC भी 2% ऊपर जाएगा, अगर एक्सिस बैंक नीचे आता है 2% तो HDFC भी 2% नीचे आएगा। ये एक्चुअली इम्पॉसिबल है। कोई भी पेयर्स जो है वो कम्प्लीटली फुल्ली कोरिलेटेड नहीं होते, यानी कि वो पॉजिटिव 1 नहीं होते। आपको 0.9 मिल जाएगा, 0.95 मिल जाएगा, 98 मिल जाएगा, 99 मिल जाएगा, बट 1 कोरिलेशन वो पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से नेगेटिव कोरिलेशन ये होता है कि अगर समझो कोई नेगेटिवली 1 है, ठीक, 1 नहीं होता है, फिर भी जैसे एग्जांपल के लिए अगर नेगेटिव कोरिलेशन जो है 1 है, यानी कि अगर समझो एक्सिस और HDFC बैंक के बीच में एक्सिस बैंक अगर 1% ऊपर जाता है तो HDFC जो है 1% नीचे जाएगा। तो इसको क्या है कि आप यूज कर सकते हो सिंथेटिक पेयर्स बनाने के लिए, आप इसको यूज कर सकते हो पोर्टफोलियो बनाने के लिए। मान लो आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हो जिसमें आप ऐसे ऐसे स्टॉक्स डालना चाहते हो जो आपस में ज्यादा कोर रिलेटेड नहीं है, तो जितना ये 1 के नियर रहेगा इतना वो मतलब जो है पॉजिटिवली कोर रिलेटेड है उससे, जितना नेगेटिव 1 के पास रहेगा उतना नेगेटिवली कोर रिलेटेड है। अगर आप ऐसा पोर्टफोलियो बना रहे हो, आप ऐसा 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना रहे हो जिसमें आप चाहते हो कि ऐसे स्टॉक्स है जो आपस से कोरिलेटेड नहीं हो, यानी कि एक ऊपर जा रहा है तो वो दूसरे को अफेक्ट नहीं करे, तो आप वो गोल लेना चाहोगे जो वेरी नियर टू जीरो है। जीरो का मतलब है कि इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक स्टॉक गिरेगा और दूसरा नहीं गिरेगा, जो मार्केट का ट्रेंड ही डाउन चल रहा है तो सभी गिर सकते हैं, बट ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम आपको ऐसा दिखेगा कि दोनों के बीच में कोरिलेशन नहीं है, दोनों अलग तरीके से बिहेव करते हैं, दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं पाया गया। तो अभी हम जैसे यहाँ पे देखो कुछ जो कोरिलेटेड है, क्योंकि लास्ट 1 मंथ का डेटा बहुत कम डेटा होता है, आपको एक्चुअली ये अगर पोर्टफोलियो बनाने के लिए करना है तो एटलीस्ट आपको 5 साल का डेटा लेना होता है, बट अभी मैंने 1 मंथ जानबूझ के लिया है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहता। तो अभी देखो यहाँ पे जीरो, पिछले लास्ट 1 मंथ का अगर मैं बताऊँ तो HDFC और बंधन बैंक के बीच में 0.05 का कोरिलेशन है, यानी कि ऑलमोस्ट कोरिलेशन नहीं के बराबर है। तो HDFC ऊपर जाता होगा तो बंधन बैंक भले नहीं जाता होगा, या बंधन बैंक अगर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो HDFC में उससे इतना अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, दोनों की जो चाल है वो अलग है। तो ये जो 0.2 के आई थिंक नीचे है वो आपको येलो नंबर्स में मिल जाएंगे, और जो आपको 0.2 के ऊपर है सबसे ज़्यादा कोरिलेटेड है वो आपको एकदम ग्रीन में, डार्क ग्रीन में मिलेगा। आप देख सकते हो एक्सिस बैंक और इंडस बैंक में काफ़ी अच्छा कोरिलेशन है पिछले 1 महीने से। एक्सिस बैंक 0.84 है और इंडस बैंक के साथ, यानी कि लगभग अगर एक्सिस बैंक अगर 1% ऊपर जाता है तो इंडस बैंक भी मोस्ट ऑफ द टाइम 0.84% ऊपर जाता है, ऑलमोस्ट पूरा नहीं बट 0.84% का हमारे को कोरिलेशन दिख रहा है। कोई एक नेगेटिवली देख लेते हैं जो काफ़ी नेगेटिव हो वैसे, क्योंकि ये बैंक्स के स्टॉक्स है और आपस में सब कोरिलेटेड ही होते हैं, तो नेगेटिवली कोई इतना बड़ा नहीं दिख रहा है। जो सबसे दिख रहा है वो यही दिख रहा है मुझे, तो ये फेडरल बैंक और कोटक बैंक है। फेडरल बैंक और कोटक बैंक में पिछले 1 महीने से क्या हो रहा है कि अगर कोटक बैंक ऊपर जाता है तो फेडरल बैंक जो है वो नीचे जाता है। ओके, अगर कोटक बैंक 1% से ऊपर गया तो फेडरल बैंक जो 0.63 से नीचे गया, ऐसा कोरिलेशन हमको दिख रहा है। तो ये हो गया स्टेट मैट्रिक्स के बारे में।
एक जस्ट सिंपल सा पैनल है, इसको आप यूज करके काफी चीजें कर सकते हो, काफी स्टॉक्स का आप मैन्युअली भी कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो इसको वापस यहाँ पे कोरिलेशन के अलावा एक और चीज दी है, आर स्क्वायर दिया है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल अगर मैं इसको क्लियर करके कोई दो स्टॉक के बीच में आपको पता चला, मान लो आप बना रहे हो रिलायंस और टीसीएस के बारे में, तो आप समझो यहाँ पे रिलायंस ले सकते हो, रिलायंस का स्टॉक ले लेते हैं। मैंने रिलायंस ले लिया और मैं एक और ऐड करता हूँ, वो है टीसीएस। समझो मुझे इन दोनों का अगर मैं कोई सिंथेटिक पेयर बना रहा हूँ, तो मुझे देखना है क्या इनका कोरिलेशन वगैरह है। ये मैंने एक टीसीएस भी ले लिया। अब देखो रिलायंस और टीसीएस जो है आपस में पिछले 1 महीने से 0.73। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने दो ही सिंबल लिए हैं, तो मैं बहुत पुराना डेटा भी आराम से फटाफट लगा के देख सकता हूँ, 1 ईयर कर लेता हूँ। पिछले 1 ईयर में आप देखोगे 0.08 का जो है कोरिलेशन रहा है। पिछले अगर हम 3 साल की बात करें, तो जैसा कि मैंने कहा जितना ज्यादा नंबर रहेगा, आप देखो 3 साल जो है आपको ज्यादा एक्यूरेट नंबर, तो आप देख सकते हैं कि दोनों कितने हाईली कोरिलेटेड है। वही आप जब वन ईयर करने जाओगे तो आप बोलोगे यार इसमें तो कोरिलेशन ही नहीं रहा है। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता है, आप जब अगर पोर्टफोलियो के बना रहे हो तो आपको 5 साल 10 साल इस तरीके से आप निकालते हो, मिनिमम 5 से, अगर बहुत कम भी कर रहे हो तो कम से कम 5 साल का कोरिलेशन तो आपको निकालना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें आपको कि मैट्रिक्स को कैसे यूज करना है। ऐसे मैं और कुछ वीडियोस बनाते रहूंगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। थैंक्स थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।